an MBA can cost you around 15 to 25 lakh of fee structure. And if we talk about international MBA, then it can cost you around 40 to 50 lakh of fee structure. And it's actually not everyone's cup of tea. But today I'm going to tell you the three simple steps by which you can easily pursue MBA from your dream university without getting worried about the fee structure. So if you're someone who MBA करना चाहता है अपनी dream university से, but वो fee structure की वजह से कहीं ना कहीं lack कर रहा है, तो ये video आपके लिए है, तो इस video को last तक जरूर देखें। And इसी के साथ मैं आपको ये और बता दूं कि अब आप ले सकते हैं हमसे free counseling by clicking on the link below जो कि description box पे है। And अगर आप इस link के through जाते हैं तो आपको मिलती है free counseling and आप देख सकते हैं अपने लिए अगर आप university या course से related कहीं भी confused हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी opportunity है, आप इससे ज़रूर avail करें। And I really suggest, मेरा तो यही opinion रहेगा कि अगर आप admission लेने की सोच रहे हैं किसी भी MBA university में तो फिर आप एक बार counseling ज़रूर लें, क्योंकि आप इसमें कुछ भी लूज़ नहीं करने वाले एंड आपको कुछ ना कुछ नॉलेज तो ज़रूर मिलेगी। तो प्लीज़ अवेल दिस एंड क्लिक ऑन द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए फिर जल्दी से ये थ्री स्टेप्स की बात करते हैं जिससे आप आसानी से MBA प्रोग्राम को कर सकते हैं। सो द थ्री स्टेप्स आर एजुकेशन लोन, स्कॉलरशिप एंड ऑनलाइन MBA फ्रॉम टियर वन यूनिवर्सिटी। और ये कैसे, चलिए मैं आपको ये सारे स्टेप्स डिटेल में समझाती हूँ। सबसे पहले हम समझते हैं कि एजुकेशन लोन में क्या क्या प्रोसीजर होता है। एंड आई नो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो यहीं कन्फ्यूज़ होते हैं कि एजुकेशन लोन लेंगे तो हमें रीपेमेंट कब करना होगा, कैसा पूरा प्रोसीजर होगा, पैसे कैसे आएंगे, फीस कैसे भरेंगे। सो सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर के सारे स्टेप्स अच्छे से समझाती हूँ कि एजुकेशन लोन में क्या क्या प्रोसीजर करता है। सो एजुकेशन लोन में बेसिकली आपके थ्री सिंपल स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इज आप एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करते हैं, सेकंड स्टेप होता है कि आप उसे अवेल करते हैं, आपको मिलता है, एंड थर्ड स्टेप जो है आपका उसका रीपेमेंट। और ये तीनों स्टेप्स बहुत ज़्यादा क्रूशियल हैं, तो इसे अच्छे से समझिएगा। तो सबसे पहले अगर आप एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो दैट इज़ कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, आपको सारी डिटेल्स वहाँ पे देनी होती है। एंड यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चीज़ ये है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल सही होने चाहिए, अदरवाइज़ फिर आपको हो सकता है कि एजुकेशन लोन ना मिल पाए। तो सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से चेक करिए एंड दिस टेक्स टाइम, ये प्रोसीजर थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि आपका फर्स्ट स्टेप है एंड उसके बाद आपको अवेल करना होता है, रीपेमेंट करना होता है। तो यहीं से आपका प्रोसीजर स्टार्ट होता है एंड यहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, आप कहाँ से अपना जो एजुकेशन लेना चाहते हैं वो लेना चाहते हैं, एंड इट इज़ बेसिकली स्टूडेंट्स एजुकेशन लोन। सो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सही होने चाहिए एंड दे चेक इट। एंड अब आप ये कहाँ से ले सकते हैं ये जानते हैं, तो आप पहले तो ये होता था कि बैंक्स में जाना पड़ता था एंड बैंक्स में जाके आपको एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करना पड़ता था, जो कि बहुत ही लंबा प्रोसीजर हो जाता था। बट अब आपके पास एक और बहुत अच्छा ऑप्शन ये है कि अब आप जो है काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको एजुकेशन लोन प्रोवाइड करती हैं। तो अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं एंड वो ऑलरेडी एजुकेशन लोन प्रोवाइड करती है तो आप डायरेक्टली उनके थ्रू एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड सेकंड पार्ट इज़ कि कॉलेज विद्या भी आपको अब हेल्प करता है एजुकेशन लोन के लिए। सो इफ़ यू टेक एडमिशन थ्रू कॉलेज विद्या तो आपको एजुकेशन लोन लेना है और आपको लग रहा है कि आप फ़ी स्ट्रक्चर नहीं पे कर सकते, तो फिर कॉलेज विद्या भी अब आपको उसके लिए हेल्प करेगा। आप हमारी तरफ से अप्लाई कर सकते हैं एंड देन वील सी टू इट कि आपका पूरा प्रोसीजर कैसा रहेगा एंड वी एक्चुअली हेल्प्स यू कि आपकी सारी चीज़ें सही से रहें। एंड आपको एक डेडिकेटेड काउंसलर मिलता है जो आपको पहले ही सब कुछ समझा देता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एंड वेरीफाई, सारी चीज़ें वेरीफाई करवा देते हैं। सो बेसिकली आपके पास यहाँ पे बहुत ही सिंपल टू स्टेप्स हैं कि आप यूनिवर्सिटी की तरफ से भी जा सकते हैं एंड आप कॉलेज विद्या के थ्रू भी एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो ये तो हो गया कि आप एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करते हैं, अब सेकेंड स्टेप है कि आप अवेल करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को लगता है कि पैसे हमारे पास कैसे आएंगे। सो पैसे एक्चुअली में जब आपका एजुकेशन लोन अप्रूव हो जाता है तो पैसे आपके अकाउंट में नहीं आते हैं, सीधा वो जाते हैं कि जहाँ के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं वो पैसे सीधा उनके अकाउंट में जाते हैं। लेट्स से कि आप मणिपाल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं या जैन में या एमिटी में किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं और आपने एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करा, तो जो भी अमाउंट है वो सीधा डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के पास चला जाएगा एंड देन दे कट आउट कि मतलब आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी। इट्स नॉट लाइक कि पहले पैसे आपके पास आएंगे देन आप फीस भरोगे, ऐसा नहीं होता, वो प्रोसीजर डायरेक्टली वहीं चला जाता है आपका।
अब थर्ड स्टेप आता है आपका रीपेमेंट, यानी कि आपने एजुकेशन लोन ले लिया, आपकी फ़ी स्ट्रक्चर भर गई, तो अब आपको पेमेंट कैसे करना है। और यहाँ पे भी स्टूडेंट्स को लगता है कि जैसे ही हमने एजुकेशन लोन लिया, लेट्स से कि अगर आपका इस मंथ में आपका एजुकेशन लोन आया तो नेक्स्ट मंथ से आपको उसको पे करना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है। जब आपकी पूरी एजुकेशन कम्प्लीट हो जाती है तो उसके बाद आपको पेमेंट करना आपका स्टार्ट होता है, क्योंकि दे अज्यूम कि अब आपकी एजुकेशन कम्प्लीट हो गई है एंड देन आप कहीं ना कहीं जॉब करेंगे एंड देन यू विल गेट द मनी टू पे द ईएमआई। एंड इसी तरीके से आपका प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट होता है, पहले आपका पूरा एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है एंड देन आप उसे पे करना स्टार्ट करते हो। सो ये तो हो गई हमारी एजुकेशन लोन की बात। अब बात करते हैं कि आपकी स्कॉलरशिप की। सो बहुत सारी स्पेशल केसेस में स्कॉलरशिप मिलती है, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में, बीट ऑनलाइन रेगुलर कोई भी हो, अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं वहाँ पे आपको कुछ स्पेशल केसेस में स्कॉलरशिप मिलती है। एंड कई बार मेरिट लिस्ट भी बनती है, उसके अकॉर्डिंग भी स्कॉलरशिप होती है, और कई जगह एग्जामिनेशंस भी होते हैं स्कॉलरशिप के। सो अगर आप उसको स्कोर अच्छा करते हैं तो भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है। दैट डिपेंड्स कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल रही है, कहीं कहीं जगह आपको 100% स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। सो जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं वो उसके प्रोसीजर पर डिपेंड करता है कि उसका क्या क्राइटेरिया है स्कॉलरशिप का। सो ये तो हो गया आपके टू स्टेप्स, आपके एजुकेशन लोन एंड आपका स्कॉलरशिप। अब थर्ड स्टेप की बात करते हैं, दैट इज़ ऑनलाइन MBA फ्रॉम टीयर वन यूनिवर्सिटी। टीयर वन यानी कि टॉप नॉच, यानी कि आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी। सो ये कैसे कर सकते हैं? लेट्स से कि अगर आप रेगुलर MBA करने भी जाते हैं और आप एजुकेशन लोन भी लेते हैं तब भी आपका लोन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इट कैन कॉस्ट यू अराउंड 15 to 40 or 50 lakh, कुछ भी हो सकता है, इंटरनेशनल है या नेशनल है उस पर देखते हैं। सो ये फ़ी स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा है एंड यू थिंक कि नहीं आप इसे पे नहीं कर पाएंगे एजुकेशन लोन के साथ भी, तो फिर आप ऑनलाइन MBA के ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। ये बिल्कुल अप्रूव्ड है एंड इट इज़ एक्चुअली इक्विवेलेंट टू रेगुलर MBA। सो ऑनलाइन MBA की सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे कि रेगुलर MBA अगर आप करते हैं तो उसका फ़ी स्ट्रक्चर 15 लाख से लेके 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, जितना भी हो सकता है। वहीं अगर आप ऑनलाइन MBA करते हैं और लेट्स से कि आप ग्लोबल MBA ऑनलाइन मोड से करते हैं तो फिर आपका फ़ी स्ट्रक्चर इट वेरीज़ फ्रॉम 1 lakh to 4 lakh एंड इट इज़ एक्चुअली वेरी पॉकेट फ्रेंडली। आप इसे आराम से पे कर सकते हैं और अगर नहीं भी कर पाएँ तो आपके पास EMI फैसिलिटी का ऑप्शन है, एजुकेशन लोन का ऑप्शन है, एंड आपकी EMI स्टार्ट होती है केवल 6,000 rupees से। सो आपको मंथली 6,000 rupees पे करने पड़ेंगे EMI के लिए, विच इज़ बहुत अच्छा है। सो आपको यहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर का बेनिफिट मिलता है, आपकी डिग्री भी बिल्कुल इक्विवेलेंट रहती है, एंड इसके साथ ही साथ लेट्स से कि आप रेगुलर MBA करना भी चाहते हैं, आपने एग्ज़ाम भी दिया, एंट्रेंस एग्जामिनेशन वगैरह भी होंगे उसमें, एंड आप उसे नहीं क्लियर कर पाएंगे, आप मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाएंगे, तो फिर आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते थे वो किसी वजह से आप नहीं ले पाएंगे, और फिर कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज़ करके किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेंगे जो कि आपको उतना अच्छा आउटकम नहीं दे पाएगी, उतना अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगी, यानी कि आपको अच्छा प्लेसमेंट नहीं दे पाएगी। वहीं आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं, जो कि आपकी टीयर वन यूनिवर्सिटी होगी, गवर्नमेंट अप्रूव्ड होगी, एंड वहां पे आपको सारी की सारी सर्विसेज भी मिलेंगी। सो इट इज़ समथिंग कि आपको यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो अगर आप कहीं भी अगर आपको लगता है कि फ़ी स्ट्रक्चर ज़्यादा है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो दिस इज़ द वे जिसके थ्रू आप आराम से अफोर्ड भी कर सकते हैं और आपको कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ऑल्सो अगर आप प्लान करते हैं कि आपको ऑनलाइन MBA करना है एंड यू आर कन्फ्यूज़ कि कहाँ से करें, तो फिर आप आ सकते हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर विच इज़ 90,000+ स्टूडेंट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म विच इज़ कॉलेज विद्या, एंड ये 90,000+ स्टूडेंट का ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है एंड इट इज़ एक्चुअली वन एंड ओनली प्लेटफॉर्म दैट इज़ ऑफरिंग आपको एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू। एंड यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं, आपको CV कम्युनिटी मिलती है जिससे आप अपना अच्छा नेटवर्क बना सकते हैं, आप अपने पीयर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, वेबिनार्स एंड बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं आपके लिए। एंड यहाँ पे आपको जॉब्स एंड इंटर्नशिप के लिए भी आपको एक फैसिलिटी मिलती है, अगर हमारे थ्रू आप एडमिशन लेते हैं तो फिर आपको जॉब्स एंड इंटर्नशिप का भी ऑप्शन मिलता है जो कि लाइफ टाइम सर्विस है। आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस पूरा प्रोग्राम भी मिलता है जो कि विच कॉस्टेड अराउंड
999, जो कि अगर आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके जाएंगे एंड अगर आप एडमिशन लेंगे तो फिर ये आपको सर्विस भी बिल्कुल फ्री मिलेगी कॉलेज विद्या की तरफ से। एंड यहाँ पे आपको मिलेंगी 100+ गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़। सो लेट्स से कि आप मणिपाल यूनिवर्सिटी में रेगुलर में एडमिशन लेना चाहते थे बट नहीं हो पाया, तो फिर अब आप ऑनलाइन के थ्रू वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। सो ये थे आपके 3 सिंपल स्टेप्स जिसके थ्रू आप आराम से MBA प्रोग्राम परस्यू कर सकते हैं फ्रॉम योर ड्रीम यूनिवर्सिटी विदाउट गेटिंग वरीड अबाउट द फी स्ट्रक्चर। एंड आई रियली होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी, स्टेप्स क्लियर हुए होंगे। बट फिर भी अगर कहीं भी कन्फ्यूज्ड हैं तो आप जानते हैं कि आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें एंड बुक अ फ्री काउंसलिंग। एंड इसी के साथ अगर कोई भी आपका सजेशन है या कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे भी ज़रूर लिख सकते हैं। आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखें, हम आपके लिए वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए, ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें।